एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें तीन मैट्रिसेस गिवन है। पहला जो मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का है, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, और जो सी मैट्रिक्स है हमने इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमने ये शो करना है, ये हमने शो करना है कि ए में अगर ऐड किया जाए बी माइनस सी वो इक्वल होगा ए माइनस सी प्लस है बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी, तो ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स पुट कर दें, बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स पुट करें, और सी की जगह पर सी वाला मैट्रिक्स पुट करें। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें इसके अंदर एक स्टेप हम शॉर्ट करेंगे, ये एज इट इज अब ब्रैकेट के अंदर वाला चीज हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए ये है, ये देखें वन है और ये माइनस टाइम ऑफ माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन होगा टू। तो पहला इसका जो आंसर आएगा हमारे पास है वो आएगा टू, फिर माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन आएगा, वन माइनस जीरो वन आएगा, टू माइनस जीरो टू, माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू ये जीरो होता है। अच्छा टू माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस टू वन। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया, और ब्रैकेट का जवाब ही बनता, ब्रैकेट हमने डाले थे ताकि ये दब दो मैट्रिक्स है हमारे पास, अब ये एक है तो एक के लिए ब्रैकेट डालना जरूरी नहीं है। तो अब हम इन दोनों ऐड करेंगे इन सबको, तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, वन प्लस टू हो जाएगा थ्री, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो देखें ये आएगा वन प्लस टू थ्री, टू माइनस वन वन, थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस टू फोर, थ्री प्लस जीरो थ्री, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस टू थ्री, माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन वन। तो इसको नाम दे दें, ये रिजल्ट नंबर है, वन कह दें इसको बेशक, कोई इशू नहीं है, वन ये वाला यूज कर लेते हैं इस तरह से रोमन। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड में क्या था, ए माइनस सी और प्लस बी, यानी कि ए में से पहले सी को माइनस कर दें फिर बी को ऑपरेट कर लें, तो ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स होगा, वो जो गिवन था वो लिख लें, माइनस सी की जगह सी वाला मैट्रिक्स लिखे, माइनस वन जीरो वन जीरो, माइनस टू वन जीरो, थ्री
टू, और बेहतर है कि यहां पर ब्रैकेट डाल दी जाए ताकि इन दोनों को हमने पहले सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये गिवन में है, विद इन ब्रैकेट इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे, और बाद में तीसरा जो मैट्रिक्स है यानी कि बी उसको लिख लें। ये इस तरह से है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वन में से जब माइनस करेंगे माइनस वन को, तो सिंपली दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा टू। टू माइनस जीरो टू, थ्री माइनस जीरो थ्री, टू माइनस जीरो टू, थ्री माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस टू फाइव, वन माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन प्लस, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, जीरो माइनस टू माइनस टू। इसमें ऐड करेंगे वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू वन, वन टू थ्री। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस टू फोर, जीरो प्लस थ्री थ्री, टू माइनस वन वन, फाइव में मंच ऐड करेंगे तो थ्री, माइनस टू प्लस वन करेंगे माइनस वन, थ्री प्लस वन करेंगे फोर, माइनस टू में टू ऐड करेंगे जीरो, माइनस टू में थ्री ऐड करेंगे वन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास, इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर टू। तो हम ये बात कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने वेरीफाई कर दिया ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ा, और हमने देखा दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ गया। थैंक यू।